बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अब शिक्षकों की चुनावी कार्यों में ड्यूटी स्कूल टाइम में नहीं लग सकेगी। शिक्षकों को चुनावी कार्य शाम 5 बजे के बाद करना पड़ेगा। के पाठक ने इस संबंध बिहार के सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा है। यह आदेश शिक्षा विभाग में चर्चा का विषय बन गया है। जिलाधिकारियों को लिखे गए पत्र में के पाठक ने कहा कि अगर आवश्यक हो तो चुनावी ड्यूटी में शिक्षकों एवं शिक्षा विभाग के अन्य कर्मियों को लगाया जा सकता है। हालांकि उनकी ड्यूटी शाम 5 बजे के बाद ही लगाई जा सकती है ताकि स्कूलों में पढ़ाई बाधित न हो सके। दरअसल शिक्षकों की अक्सर चुनावी कार्यों में ड्यूटी लगाई जाती है। शिक्षक स्कूल टाइम में चुनावी कार्य निपटाते हैं, इस कारण वे बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। बिहार में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाला है। इससे पहले निर्वाचन विभाग मतदान सूचियों को अपडेट करने में लगा है। बता दें कि ACS के पाठक राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई तरह के बदलाव कर रहे हैं। इससे पहले जाति गणना में भी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी। उस समय भी के पाठक ने आदेश जारी कर कहा था कि शिक्षकों की सिर्फ जाति गणना में ही ड्यूटी लगाई जाए, इसके अलावा उनसे कोई भी प्रशासनिक कार्य नहीं कराया जाए। साथ ही गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी लगाते समय यह भी देखा जाए कि स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो पाए। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय हिमालयन इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल।